जाता नहीं है, अभी तो बोला बता दो। तो बाबा ही आके सुनाता है, देखो जन्म के चक्कर से नहीं आ रहा है। मैं कोई ब्राह्मण की दुनिया के होंगे गले तो वो भी भविष्यवाणी कर रहे होंगे, तुम्हारा ये पार्ट, तुम्हारा ये पार्ट, तुम्हारा ये पार्ट। बाबा क्या कहते हैं, बाबा किसी का पार्ट डिक्लेयर करते हैं क्या? क्या कहते हैं? नहीं, अपना पार्ट अपने आप ही प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा नहीं बता देगा ना बोर्ड में लिख के बता देगा। हर एक आत्मा अपने चरण से, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से स्वतः ही अपने पार्ट को क्लियर करेंगे। उसमें मिक्सचरिटी नहीं है क्या, क्योंकि सारी दुनिया झूठी है। कुछ ना कुछ तो मिक्सचरिटी रहती है, क्योंकि जो जमीन एकदम खाद लेने की आदि बन चुकी है उसमें एकदम ऑर्गेनिक खेती नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ केमिकल डालना ही पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट भले कुछ भी किया जाए लेकिन थोड़ा थोड़ा तो विषैला मतलब तो रहता है, जम दे नहीं हो जाता कि हथेली पे आम जम जाएगा, फल निकल आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। आदि में उन्होंने मम्मा को उसमें गए थे ना सीता भगवान को अपने करने के लिए, अभी अंत में क्यों ही मम्मी जाएंगे? आज में माता को क्या प्रूफ करने के लिए सीता को कोर्ट में, कोर्ट में मम्मा ने ये साबित किया था सीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कोर्ट में गई थी ये बात साबित थोड़ी हुई थी। अभी आदि चाहिए ना, शुरुआत कहाँ से होगी? जगदम्बा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है, ये पहली शुरुआत कहाँ से होगी? एडवांस पार्टी में भी कहाँ से होगी? हम सुधरे तो जल सुधरा, दिल्ली के लिए क्या बोला है? दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। मतलब हम बोल रहे हैं वाणी में आता है कोई गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, है? शिव भगवान है, है? अभी एडवांस में सभी सबको मालूम हुआ, सबको माने कहीं ना कम सबको मालूम हुआ लेकिन दुनिया तो नहीं मान रही है, ब्राह्मणों की दुनिया भी तो नहीं मान रही है। बाहर दुनिया की बात छोड़ दे, जब ब्राह्मणों की दुनिया ही नहीं मान रही है फिर भी थोड़ा परसेंटेज ब्राह्मण प्रपंच में मानते हैं, वो तो परीक्षा हो तब पता चले ना। अरे वो बक्का तो सब लगा देंगे, कागज पर भी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब परीक्षा हो माया की फाइनल तब पता चले कि भगवान कौन है, किसको पक्का निश्चय है। लौकिक पढ़ाई जब
गौरव स्कूल में पढ़ते हैं ना तो कम पास होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो ज्यादा पास होते हैं, रिजल्ट आता है। एक्स्ट्रा शूटिंग क्या होता है? गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बढ़ेगा या शिष्टाचार बढ़ेगा? लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज्यादा, प्राइवेट स्कूल में उतना भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, वहाँ तो यथा राजा का था सर प्रजा। शुरुआत कहाँ से होगी? आखिर इस दुनिया में सबसे पहले भगवान बन के बैठा कौन होगा? देहधारी धर्म गुरुओं में पहला देहधारी धर्म गुरु कौन? इस्लाम है। गीता का भगवान ब्रह्मा, वो एक ही बात, जो गीता का भगवान हुआ वो इससे वो हम हुआ। मुरली में जो भी मुरली चलाई गई उसमें ये साबित कैसे हो गया कि ये कृष्ण की सोल है? है? इसका घोषणा हो गया है? नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण की सोल है, दादा लेखराज ही कृष्ण की सोल है, ये कैसे साबित हो गया? और इसमें ही शिव बाबा आता है, ये साबित कैसे हो गया? पिताश्री नाम डाल दिया, वो तो गीता के भगवान की बात हुई। ये साबित कैसे हुआ है कि कृष्ण की सोल है और इसमें भगवान आता है? कोई प्रूफ है? आई तो क्या हुआ? से 68 तक ब्रह्मा बाबा से स्व प्रवेश हुआ था, है वो कैसे मालूम हुआ था? मैंने ज्ञान सुन के ज्ञान आया, ज्ञान से पहले जो कुछ बोलता था ज्ञान का उतना यह नहीं था, तो बाद में सबको मालूम पड़ा है मनुष्य आदि नहीं देता है या भगवान देता है। मान किस मुख ने कहा? भगवान अपने मुख से, जब भगवान भगवान के रूप में संसार में प्रकट होगा तो वो अपने मुख से कहेगा कि मैं भगवान हूँ? मैं कृष्ण हूँ? मैं शिव हूँ? वो भी नहीं बोल रहा भाई, है भगवान है नहीं बोला। अच्छा अच्छा नहीं आया है? मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण के तन में आया हुआ हूँ, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। भगवान भगवान जो होगा उसको कहने की दरकार पड़ेगी कि मैं भगवान हूँ? भगवान को भगवान कहने की दरकार नहीं, जो सिद्ध करते हैं वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान को भगवान सिद्ध करने की जरूरत नहीं, जितने भी धर्म पिताए हुए धर्म गुरु हुए सब से वो हम कहके बैठ गए, तो उन्होंने सालु किसको किया? आपको भी मैं बाप हूँ शिवम करके उनका पाठ करता है ना, तो अंत में दुनिया में यही साबित हो जाएगा। वो बच्चे करते हैं शिव ज्योति बिंदु, अलग से कोई चीज नहीं होती, अलग से कोई तत्व नहीं है, सिर्फ राम की आत्मा ही भगवान है। जैसे अंत में अगर यही साबित होगा फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि राम की आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। लेकिन आदि में ब्रह्मा को प्रजापित से माने सुप्रीम मालूम सोच से मालूम पड़ा है, मालूम पड़ा वो तो उस समय ध्यान ही नहीं है, ध्यान होता तो मुरलियों में पहले ही प्रजापिता शब्द बोला जाता। लेकिन उसको साक्षात्कार हुआ और जो कुछ सुप्रीम सोच से क्लैरिफिकेशन हुआ उसको उसका मन में बराबर बैठा है, ब्रह्मा होने वाला है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे में ही भगवान है।
मैं ही भगवान का रूप हूँ साकार में। नहीं ब्रह्मा होने वाला है हाँ। और मैं भी सत्य रूप में कृष्ण होने वाला है। सत्य रूप कृष्ण होने वाला है वो सब और मेरे में ही भगवान आता है। क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा है कि भगवान बाप का स्वरूप कोई दूसरा है? तो गीता का साकार में भगवान उन्होंने किसको समझा? अपने को ही समझा। अगर न समझा होता तो पहले से ही प्रजापिता शब्द लगाया होता या ब्रह्म कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता शब्द लगाया होता? पहले तो सिर्फ ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा होता था चित्रों में या पंपलेट वगैरह जो कुछ छपाई जाते थे। प्रजापिता को तो उड़ा ही दिया ना। तो बताया ना ये ज्ञान मेरे में तो पहले था ही नहीं। आप समझते हैं कि ये बातें तो मेरी नहीं हो सकती, ये भगवान प्रवेश करता है तो उसको ये तो ठीक है, लेकिन गीता का भगवान किसको समझा उन्होंने? साकार में गीता का भगवान किसको सब उनकी बुद्धि में क्या था? गीता का साकार में भगवान तो उन्होंने स्वयं अपने को समझा ना। तो यहाँ से भूल हुई कि नहीं हुई? यही भूल हो गई। वो हमकी भूल आखिर कहाँ से हुई? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में कहाँ से हुई? दुनिया में तो सब गुरु लोग जो है वो बोलते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो, लेकिन इसकी भी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं से हुई होगी? उसकी शुरुआत करने वाला कौन? अपने स्वयं को ही गीता का भगवान समझ लिए। मैं ही गीता पति भगवान हूँ, वो गीता माता है। झगड़ा तो होगा ना और ये बात के लिए? ये बात के लिए नहीं, बाबा ब्रह्मा को बोला है चार चतुर्भुज पंचमुख ब्रह्मा, वो आदि का माता पिता और वही अंत का है, मध्य का है ब्रह्मा बाबा है। वो तो पहले जन्म छोड़ के बाद गीता माता को यह जन्म में कब शिव प्रवेश हुआ? गीता माता में हाँ, गीता माता में पहले जन्म में शिव ने प्रवेश करके तो भक्ति मार्ग की फाउंडेशन डाली। ठीक है, हमने सुनाने की बात दी वो ब्रह्मा हो गए। ठीक है, यहाँ भी गीता माता जो कुछ सुनती है वो सुनाती है, जो भी सुना भगवान के मुख से वही बात उन्होंने कैसे में सुनाई, कुछ नई बात तो नहीं सुनाई। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है। आज विशेष आत्मा ये जब तक संगठित रूप में रहते हैं तब तक भी अस्थिर रहेंगे। जब संगठित टूट जाता है ग्रह आपस में टकराते हैं तब दुनिया का विनाश हो जाता है। संगठन क्यों टूटता है? इम्प्योरिटी आती है तो संगठन टूटता है। प्योरिटी से यूनिटी होती है, इम्प्योरिटी से विनाश होता है। विनाश तो बिना जमे होगा ही। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले विनाश होगा कि बाहर की दुनिया में होगा? पहले पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया, बेसिक आत्मा की दुनिया का विनाश होगा या एडवांस में पहले विनाश होगा? एडवांस विनाश में सब तो मर के प्रत्यक्ष हो नंबर बार, वो नंबर बार नहीं होंगे सब एक जैसे नंबर के सौ
100% मार्क्स बराबर पाने वाले होंगे क्या? नंबर कैसे बनेंगे? नंबर बने इसके लिए जरूरी है। हाँ जी एक की भी कर्मातीत अवस्था हुई, कर्म से अतीत अवस्था तो बिना शुरू होता नहीं। तो इन दोनों का ताल्लुक क्या है? विनाश होने में और कर्म से संपन्न हो गया माने स्थापना हो गई। विनाश कराने के लिए निमित्त कर्मातीत पहले स्थापना होगी विनाश होगा। कर्म करते भी कर्म का कोई असर आत्मा के ऊपर न पड़े, अतीत हो जाए कर्म से, कर्म बंधन लगे ही नहीं, कर्म बंधन बांध न सके, अभी जान सकते कि आत्माओं को कर्म बंधन बांधता है या नहीं बांधता है, है? कर्मातीत हुए कि नहीं हुए? नहीं। बाबा ने कहा कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, माने उस पुरुषार्थ के स्टेज पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो निकल के आगे चले जाए और ये विनाश की ज्वाला जल मर के सब खत्म हो जाए। दुनिया में चारों तरफ जैसे जैसे विनाश बरपा होता जाएगा वैसे काम आगली भी तीखी होती चली जाएगी। मनुष्य संसार में बंदरों में सब देखने में आ गई। ऐसा ना हो बच्चे काम आगली में ही सुलग के खत्म हो जाए। इसलिए बाप दादा अकेले नहीं जा सकते वापस, बच्चों को साथ लेकर के जा रहे और बच्चों को साथ लेंगे तो संग का रंग आराम से आत्माओं को भी लगेगा और लगता है। ऐसी दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं है मनुष्य आत्मा जिसको संग का रंग न लगता हो, और संग का रंग लगता है तो अवस्था कुछ न कुछ आती है। इसलिए शंकर का ही स्वरूप ऐसा है। भक्ति मार्ग में जो शंकर का चित्र बनाया है कहीं कहीं ऐसा बना दिया जैसे रावण विकराल भयंकर काली काली मुख है, काली काली दाढ़ी, लाल लाल आंख है। शंकर का स्वरूप सौम्य भी दिखाया जाता है, देवताई चेहरा भी दिखाया जाता है, क्लीन सेव और फिर दाढ़ी मूंछ वाला भी दिखाया जाता है, माना तामसी स्वरूप दाढ़ी मूंछ माना भिखारी और क्लीन सेव देवता माना ये भिखारी। तो श्याम सुंदर ये गायन किसका हुआ? शंकर के रूप में जो कृष्ण की वो आत्मा ओल बजाती है वो स्वरूप ही व्यक्तिगत रूप में पार्ट बजाता है श्याम और सुंदर। अभी अभी श्याम अभी अभी सुंदर संगम उसका गायन है। ऐसे नहीं कि सनातन तक 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा श्याम है और सत्युग में जाके सुंदर कृष्ण के रूप में जन्म ले लेंगे जैसा तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी बताते हैं श्याम सुंदर का, वो नहीं। श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन? भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया जाता है अभी अभी बूढ़ा बन जाता है और अभी अभी नौजवान बन जाता है, अभी अभी बच्चे की तरह पड़ा सो सो रहा है बच्चा बन जाता है। सारी दुनिया सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ते हैं लेकिन भगवान बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं। पड़ेगा कि पड़ता है कैसे पता चलता है? अभी 2 साल से आकाशवाणी में तो वाणी चली आ रही है लेकिन अभी साकार में कैसे पता चलता है?
ये भगवान बच्चों के पीछे कब पढ़ता है और बच्चे भगवान के पीछे कब पढ़ते हैं? टाइम अलग अलग होगा या एक ही टाइम होता है? कौन सा टाइम अलग अलग है? नहीं भगवान बच्चों के पीछे तब पढ़ता है जब भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो अति तमो प्रधान बनता है। अब भगवान को भी बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है क्योंकि बिना संगठन के कोई कार्य नहीं है, बिना तेरा भाग नहीं बोलता है। बच्चों के संगठन से ही स्वर्ग स्थापन होगा, बच्चों के बगैर स्वर्ग स्थापन होना नहीं है। इसलिए भगवान को बच्चों के पीछे जाना पड़ता है, बच्चे भगवान के पीछे जाते हैं, सारी दुनिया भगवान के पीछे जाती है। और भगवान जिन बच्चों के पीछे जाता है तो वो तो कितने भाग्यशाली हो गए, सबके पीछे तो नहीं जाता है। सब बुलाते भी नहीं है, जो पतित पावन कहकर के बुलाते नहीं है वो पतित पावन बनते भी नहीं, और जो बुलाते नहीं है उनके पास जाता भी नहीं, जो बुलाते हैं उनके पास जाता भी है। जरूर ज्यादा भक्ति की होगी तो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे। ज्ञान उठाने का मतलब ये नहीं कि सुनने सुनाने तक सीमित हो, ज्ञान उठाने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जमा हुआ हो। करंट होनी चाहिए ना, अभी आर्ट जो है तो नहीं करंट रो चुकी है। सरेंडर तो पहले माया होती है, आप सरेंडर होते हैं क्या? अगर आप पहले सरेंडर हो जाए तो उनको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिल जाए, ये क्या बात हुई? बुद्धि से टाइटल मिलता है, बुद्धि से सरेंडर होंगे तो बुद्धि से टाइटल मिल जाएगा, प्रैक्टिकल सरेंडर होंगे तो प्रैक्टिकल में टाइटल मिल जाएगा। प्रैक्टिकल में टाइटल मिला हुआ है या बुद्धि से टाइटल मिला हुआ है माया को? प्रैक्टिकल में जिसको चाहे उसको नीचे झुका दे, क्या अच्छों अच्छों को नीचे कोई अहंकार न करे कि माया हमको नहीं पछाड़ सकती। माया कभी भी कोई को भी पछाड़ सकती है, तो प्रैक्टिकल में है या बुद्धि में है? सिर्फ प्रैक्टिकल में है। तो ये ताकत कहाँ से मिली, कैसे मिली? सरेंडर होती है इसलिए उसको ताकत मिलती है। मतलब अभी स्कूल में करंट नहीं हुआ है? क्या इसका मतलब अभी पूरा करंट नहीं हुआ है स्कूल में? नहीं हुए होंगे? और आज तो करंट आठ में से एक को छोड़ के बाकी सात तो सरेंडर होते ही नहीं है पहले। अगर उन सातों में से कोई सरेंडर हो जाए तो माया का नंबर खत्म हो जाएगा है? तो बाकी का सौदा हो जाएगा है। अष्टदेव ही बन के रहेंगे कि नष्टदेव बनेंगे? कदरी के कैसेट में बोला है कि कराची में जो संगठन हुआ वो वैष्णव देवी की प्योरिटी की पावर से हुआ है, ऐसे ही जो अभी की नई दुनिया का फाउंडेशन हुआ उसका भी जो बीज है महाअष्टदेव में सत्रों से कनेक्टेड उनसे हुआ होगा। आठ देवों में जो भी उनके आधारभूत वो तो बीज रूप है ना, अष्टदेव तो बीज रूप है, आधारभूत है, बीज रूप है, पत्ते भी नहीं है वो तो बीज रूप है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों को गुण रत्नों और ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाली है या नहीं है? वो उनको श्रृंगार करने वाली है। तो जो आधार मूर्त है, आधार मूर्तों में जो आधार बनने वाले हैं
उनमें कोई चंद्रवंशी होंगे या नहीं होंगे? कौन है चंद्रवंशी? आधारभूत है, विजय माला की है, तो उसका कोई बीज होगा कि नहीं? कौन होगा? बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी बीज होगी उनकी है। बीज अगर हो अष्टदेव में हो तो फिर तो वो सुनील जी हो जाए, जगदम्बा जो है वो सूर्यवंशी भी नहीं कही जा सकती, बल्कि वो चंद्रवंशी की रतन कही जा सकती। अष्टदेव है वो, बड़ी बड़ी दीदी दादा है जो बैठे हुए हैं यज्ञ, उन आधार मूर्तों को भी श्रंगारने वाले हैं। यज्ञ के आज में भी उन्होंने श्रंगारा था, किन्होंने? और अंत में भी उनको श्रंगारते हैं। तो चंद्रवंश है या कोई भी वंश है, उन सबका मूल बीज कहाँ है? सूर्यवंश तो बहुत लंबा चौड़ा है, कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर वो बीज है? हर धर्म के बीज आठ है, हर धर्म के बीज समाये हुए हैं। वो बीज है आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी रहते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के गिर जाते हैं। धारणाएं भी तो ज्यादा होगी ना, ज्ञान की भी धारणा ज्यादा होगी, गुणों की भी धारणा ज्यादा बनेगी, लेकिन गुणों की धारणा तब बनती है जिसे कहते हैं रूप के साथ बसंत। बसंत बनने वाला पार्टधारी है वो जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक बसंत कौन है बीज रूप आत्माओं में, उनमें वो बसंत रूप के गुण नहीं दिखाई देंगे, तभी दिखाई देंगे जब वो मुखी आ जाएगा। हाँ उनमें कोई होगा धारण हो, लेकिन एक के चले एक के बार बोलने से तो बार उठता नहीं। है नहीं बोला बाप को भिखारी दृष्टि से देखते हैं कि बाप भिखारी है, वो महापापियों की लिस्ट में गिने जाने थे, तो महापापियों की लिस्ट में गिने जाएगा और उन्हें क्या धन मिलेगा? निगेटिव तो मीडिएटर है या नहीं है? हिंदी संस्कृत भाषाओं को बोलने वाले नहीं है क्या? दूसरों को मीडिया क्यों बनाना बात को समझने के लिए?
आशा नहीं आती है तो अंत समय में क्या होता है कि जय हरि धर्म गुरु वो निमित्त बनकर के बैठ जाते हैं, उनको उल्टा पलटा समझाते हैं, उल्टी पलटी बात बुद्धि में बैठ जाती है, अपोजिशन में आ जाते हैं। बाकी जो भी है प्रजा वर्ग में आ जाता है वो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तो भी कौन से विषय होता है वो सब बीज बनता है ना, कंचन का है। हाँ, वो इसलिए बनते हैं कि जो राजा वर्ग की आत्मा होती है वो चलाने वाली बन जाती है। जैसे बोला कि जो भी एडवांस में आएगा उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो अगर अंत में निकला और ज्ञान में चला तो प्रजा बन जाएगी या राजा घराने में आ जाएगी, प्रजा घराने में आएगी ना। माना के जब तक प्रत्यक्षता बाप की नहीं हुई है तब तक उन्होंने माना नहीं, और जब प्रत्यक्षता हो गई तब पुरुषार्थ करना शुरू किया प्रत्यक्षता का, तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन कंचन का बोर्ड लग गया, लेकिन कंचन काया तो कंचन काया बने, कंचन काया तो प्रजा की बनती है कि नहीं बनती है, कंचन काया बनना अलग बात और राज परिवार में जन्म लेना ये अलग बात। कंचन काया तो इसलिए बन जाएगी कि उनकी बुद्धि में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, उनकी बुद्धि में महानता बैठ जा रही है, देखो हमारे परिवार में भी कोई ऐसी आत्मा है परमात्मा जिसने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, बाप को पहचाना हमने नहीं पहचाना, तो उसके प्रति श्रद्धा विश्वास भावना बैठ जाती बाप के प्रति, तो बैठेगी लेकिन के प्रति भी श्रद्धा भावना बैठ जा रही, पूजा करने लग पड़ेंगे हमारे घर में तो कोई देवता है। बाबा ने बताया कि आगे जाकर के इधर का महिमा होता है, लेकिन लेकिन किसी ने कहा अभी जो इधर गीता पाठशाला चला रही है उन्हों का महिमा नहीं होता है, जब रुद्रमाला को विजयमाला में गिराया जाता है उन्हों का महिमा होता है, तो बाबा ने बताया है युगल है, लेकिन युगल होकर के अपने अपने घर के वातावरण को लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बना सके, विकारी के प्रभाव में आते रहते हैं, विकारी वातावरण बनता रहता है, तो महिमा कैसे होगी। महिमा पूजा अर्चना ये पवित्र की होती है या पवित्र की होती है, पवित्रता की पूजा होती है, अब अभिषेकता के वाइब्रेशन बनते हैं तो लक्ष्मीनारायण का मंदिर कैसे बना। गीता पाठशाला का मतलब ये है कि जीवन का लक्ष्य नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, उनका भी लक्ष्य है नर से नारायण बनना है, और जो आते हैं उनका भी उनको भी लक्ष्य देना है कि नर से नारायण जैसा बनना है, खुद भी नर नारी नारायण जैसे बने और जो भी जिज्ञासु आते हैं उनको भी ये लक्ष्य देना है नर से नारायण नारी लक्ष्य बने, ऐसा पुरुषार्थ करें। अगर अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाया और कहीं अलग कमरा लेकर गीता पाठशाला खोल ली, तो अलग कमरा लेकर गीता पाठशाला खोलने का मतलब क्या हुआ है? आपने घर को पवित्र वातावरण बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। अभी तो ब्रह्म कुमारी में भी क्या होता है, यही तो होता आया कि कोई न कोई भाई को पकड़ लिया, ज्ञान सुना दिया, बस भाई ने एक मकान लिया और बैठा दिया ब्रह्म कुमारियों को कि तुम पुरुषार्थ कराओ, तो सन्यासी पुरुषार्थ कराएगा तो उससे लक्ष्मी की दुनिया बन जाएगी, बन ही नहीं सकती। दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाओगे तो उसमें तो निशाना चूक जाएगा कि नहीं चूक जाएगा, तो क्या करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करके अपना हाथ जगना,
इच्छा पाठलों का गायन है। आध्यात्मिक वो क्या नाम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का गायन नहीं है, क्यों नहीं है? गीता मंदिर का गायन क्यों है? गांव गांव में शहर शहर क्यों बने हुए नहीं, मंदिर इसलिए बने हैं कि संगम युग में कहीं जरूर गीतापति भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई होगी, गीता माता ने पढ़ाई पढ़ाई होगी तो गीता मंदिर बने हुए। प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है गीता, गीता में जो ज्ञान दिया गया है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए दिया गया है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए दिया गया है? अगर निवृत्ति मार्ग वालों ने गीता का ज्ञान सुना भी तो भी भगवान के अपोजिट में बैठ गए, उनके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या कोई भी हो। वास्तव में गीत गाना भी नहीं सुनना भी नहीं, लेकिन जब बहुत खुश हो जाता है तब दिल से गीता करता है। तो अंदर अंदर गीत गाओ, अंदर अंदर डांस करो, दूसरों की गाने की जरूरत है? स्टेज पर खड़े हो जाओ और डांस करना शुरू कर दो, मृदंग बजा के हाँ दिल से आता है तो कोई जरूरी भी चौराहे में जाके डांस करना शुरू कर दे। तो ठीक है, दिखावा करने की क्या जरूरत, अपने अंदर की खुशी अपने अंदर समा के रखो और वाइब्रेशन ऐसा बनाओ कि दूसरी आत्माएं भी जो हमारे कनेक्शन में आए वाइब्रेशन में आए वो भी डांसने लगे, वो भी खुश हो जाए हमारा चेहरा देख करके। इनको क्या मिला है? इनकी आंख क्यों खुशी में डांस कर रही है? दुख क्यों होता है? किसी की बात सुन करके किसी का काम देख करके दुख होता है ना, तो जो दुख होता है इसका मतलब जो दुखी होने वाला है वो प्रभावित हुआ ना किसी से, प्रभावित हुआ तो दास दासी या प्रजा बना कि नहीं बना? तो दास दासी बनेगा तो दुखी होगा। किसी की बात सुन करके किसी का कर्म देख करके ब्रह्मा कुमारी ऐसा कर्म कर रही है हमने देख लिया, हमारी अवस्था डाउन हो गई, हम ज्ञान में से टूट पड़े, तो क्या हम प्रजा बने या राजा बने? प्रजा बने। अरे ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी कोई प्रजा कुमारी बनेगी, हमको अपनी हालत खराब करने की क्या दरकार? बाबा ने तो हमें बताया है न दुख लेना है न दुख देना है, तो दुख देना नहीं है ये तो बात पक्की कर लेते हैं, लेकिन दुख लेना नहीं है ये बात भूल जाती है। कब होगी बाबा है वो कब होगी? कब अभी होगी जब आत्म की स्थिति में रहेंगे। तो दुख लेते क्यों है, प्रजा बनते क्यों है, नशा क्यों नहीं रहता? हम किसके बच्चे हैं? राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे हैं, महाराजा बनाने वाले के बच्चे हैं, तो हम किससे प्रभावित हो जाए? हम सिवाय एक के और किसी से प्रभावित होने वाले नहीं है। ऐसे कौन है बाबा जो प्रभावित नहीं होते? प्रजा भी बन रही है लेकिन उसमें भी परसेंटेज है, लेकिन है तो प्रजा ना। लेकिन पुरुषार्थ के जीवन में सबसे कहीं ना कहीं ऐसा होता रहेगा बाबा, पुरुषार्थ के जीवन में कहीं ना कहीं अंत तक ऐसा ही होता रहेगा, अंत तक नहीं कभी कभी होता रहेगा। बांध का बांध रहेगा क्या? शुरुआत में अभी शुरुआत चल रहा है कि अंत शुरुआत है ना? शुरुआत कहने वाले ये समझते हैं कि अभी शुरुआत है हमारी, नहीं नहीं ऐसा होगा तो शूटिंग तो बंद है ना। हाँ वो जितने लंबे समय तक प्रभावित होने की शूटिंग चलती रहेगी तब तक समझना चाहिए कि हम प्रजा हैं, अभी राजा नहीं बने। कोई कुछ भी कहता रहे सारी दुनिया एक तरफ होकर के ग्लानी करे, लेकिन हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है क्या? एक बात सुना ना कोई तो इसका मतलब अश्चर्य जो भी है वो कम प्रभावित होंगे, अश्चर्य जो भी है कम प्रभावित होंगे। अपनी अवस्था जो भी खराब करते हैं तो प्रजा वर्ग के हैं दास दासी वर्ग के,
तब तक जब तक प्रभावित होते हैं। कोई कुछ भी बोलता है कि जी बोलने से क्या हमारे हमको चिपक जाता है क्या, हम चाहे तो किसी की बात पर ध्यान दें या न दे, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, ये ऐसे कहता है इसलिए हमारी अवस्था डाउन हो गई। ये बात हुई तो कह रहा है आपने मुझसे कह रहा है इसने ऐसे किया इसलिए हमको देवान आ गया हम नीचे गिर गए। अरे उसने किया उसको उसने किया उसका भाग्य खराब हुआ तो अपनी अवस्था क्यों खराब करते हैं। धारणा के बारे में धारणा के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन जब हम गलत को जाकर के प्लान करना पड़ता है पड़ता है बड़ी बड़ी भारी मुसीबत है मुसलमान का अभी कैसे हो गया ये पानी सब कुछ एकदम लूटपानी हो गया क्या लूटपानी हो गया एकदम शांति हो गया शांति हो गया बट ये स्नान करने समुद्र के पानी शांति नहीं हो गया दिन प्रतिदिन हम समुद्र के जा करके स्नान करता है नहीं वो तो समुद्र के किनारे रहने वालों की बात नहीं लेकिन जो अभी यहाँ रहे पड़े हैं जमीन के अंदर से पानी निकाल करके पी रहे हैं स्नान कर उतना तो शांति नहीं है अभी बहुत अधिक हो गया समुद्र के पानी इतना तो नहीं हो गया ऊपर से नीचे तक स्नान करने से थोड़ा रिएक्शन हो रहा है थोड़ा ये इधर से नीचे तक कर सकता है हमको रिएक्शन होता है कि आपको ही हो रहा है ये तो कोई नहीं है ये तो नीचे वाला भी है क्या नीचे वाले भी हाँ नीचे वाले भी है एडवांस पार्टी में भी ऐसे होंगे बीके वालों में भी होंगे तो एडवांस पार्टी में एक दो होगा तो वहाँ हजार दो हजार होंगे ऐसे ही बोल रहा है हैं ऐसे ही बोल रहा है हमारा लोकल नहीं इतना करने घबराते हो क्या नहीं 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 लोन पानी थोड़ा रिएक्शन कर रहा है अच्छा मीठा पानी भी तो मिल रहा है पीने के लिए मीठा पानी मिल रहा है कि नहीं हाँ तो एक लोटा पानी थोड़ा सा गर्म किया उसमें टावल डुबोया और शरीर को पोंछ लिया इतना निकल लिया इतना तो हो जाएगा क्या हो जाए शांति पानी से धो लिया। हाँ जी करने के लिए सब कुछ कर सकता है बहाने बनाने के लिए दुनिया भर के बहाने बनाए जा सकते हैं इतना पानी नीचे वाटर टेबल गिर गया एकदम बातें बोल गया वाटर टेबल उतना गिर गया वो एकदम शांति बोल गया वाटर लेवल नीचे गिरता है तो शांति थोड़ी हो जाता है लेयर होती है जमीन की कहीं से मीठा पानी मिलता है कहीं शांति पानी मिलता है हो सकता है कि नीचे जाने पर और ज्यादा मीठा पानी मिले जमीन की जो लेयर होती है वो अलग अलग होती है ऐसे नहीं नीचे जाने पर अगर शांति पानी ही मिलता है नहीं मीठा पानी भी निकल सकते हैं बहुत सभी की चीज में बताया है शंकर विष पीता है लेकिन ये भी इच्छा मात्र महाविद्या की स्टेज पर नहीं हुई ना ऐसे पूछा है शंकर विष पीता है कि इच्छा मात्र महाविद्या की स्टेज पर नहीं हुआ इच्छा नहीं करना चाहिए लेकिन वो विष इसलिए पीता है कि ताकि सारी दुनिया पवित्र बन जाए तो इच्छा नहीं करनी चाहिए वो बहुत अच्छी हनुमान अपनी पूछनी से भी तो सेवा करता है तो सेवा का फल नहीं मिलेगा हनुमान और गणेश बनता कौन है राम पहले पहले कौन बनता है
प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ही तो पहले पहले हनुमान गणेश बनती है। वैष्णवी देवी का पीठ सही हुआ, अभी न्यू वर्ल्ड जो स्थापना हुआ है उनका पीठ सही हुआ। न्यू वर्ल्ड की जो स्थापना अभी तो बताई, न्यू वर्ल्ड की जो स्थापना है वो फाउंडेशन की चीज है या आखिरी मंजिल की चीज है? फाउंडेशन की चीज दिखाई पड़ती है कि गुप्त रहती है? दिखाई पड़ रहा है, किसी को दिखाई पड़े तो वहाँ पहुँच भी जाए। हमारा उतना ताकत नहीं है वो कमी, हमारे सर में स्थापन होगा तो और ताकत कम हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारा विशेषता थोड़ा चुनने के लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं, निकाह तो सवाल ये है कि वैष्णो देवी आएगी तभी स्वर्ग बनेगी, फाउंडेशन डालेगी। लेकिन नहीं, फाउंडेशन जो है वो जड़ नहीं डालती, फाउंडेशन डालता है बीज। बीज जड़ों से भी पहले होता है, तो बीज रूप आत्माओं में वैष्णो देवी की भी कोई बीज है, सारी दुनिया के बीज है, सारी दुनिया के बीज है, तो विजयवाला का कोई बीज नहीं होगा। लेकिन ये नियम बना हुआ है बीज बाप होता है, तो बाप को भी साकार में कौन चाहिए? साकार में उसका भी किस जन्म का साथी चाहिए? वो साथी जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं होगी जो सड़क की प्रत्यक्षता हो जानी चाहिए। नहीं दुनिया तो गर्भ में ही रहेगा। तो वो विजयमाला ही तो साथी है। विजयमाला का जो मणका होगा वो पहला मणका साथी होगा, चंद्रमा का साथी होगा? नहीं, पहले मणके का साथी बनेगा, दूसरे मणके का साथी बनेगा। अरे विजय माला का जो पहला मणका होगा वो रुद्रमाला के पहले मणके के साथी बनेगा, विजय माला का जो दूसरा मणका होगा वो रुद्रमाला के दूसरे मणके का साथी बनेगा। तो प्रवृत्ति मार्ग का खेल है, युगणों की महिमा होगी तो सबसे ज्यादा किसकी महिमा होगी? सबसे ज्यादा महिमा होगी। फिर जिसने द्वैत नंबर पुरुषार्थ किया होगा उसकी होगी। क्या नंबर बार बाबा जब वैष्णवी देवी आएगा सब गार्डन में मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। वो गार्डन क्यों बोल रहे क्या? गार्डन में मिलेगा, मिलेगी बिना गार्डन के, बिना भूमि और बगीचे के कैसे मिलेगा? वो गार्डन क्यों बोल रहे बाबा? गार्डन होगा, गार्डन वाले सुखदाई फूलों का बगीचा होगा, उसमें कांटे भी घुसे हुए होंगे। बच्चे माली है कि नहीं? बच्चे नंबरवार माली है कि नहीं? तो बच्चे जो नंबरवार माली है वो फूलों को चुन करके कोई गार्डन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कि मिक्स रखते हैं? फूलों का बगीचा भी तो बनाएंगे ना, माली क्या करेंगे? फूलों का बगीचा भी बनाएंगे। तो अब्बा नंबर, दोयम नंबर, तीसरे नंबर के माली भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे तो फूलों को चुने, फूलों के पौधों को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? गार्डन बनाने के लिए चुनना तो पड़े है। तो बाप चुनता है ना, है बाप चुनेगा। जो सारे ही बाप है यहाँ तो बीज रूप आत्मा है, सभी तो बाप है। कोई बीज रूप आत्मा में कोई ऐसी है जो बीज ना हो? बीज माना ही बाप, नंबर वार बीज है, नंबर वार बाप है। बात ये नहीं हुआ, तो कभी तो कहते हैं ना, जब करती का शाम पर हुआ ना, तो ब्रह्मा और शंकर दोनों भी वो पुरुष है, वो कर्तु का शाम पर नहीं बना सकते, और वैष्णवी देवी जो है वो सुनता भी है और सुनाता भी है, और धारण करता भी है, कराता भी है, इसलिए
वैष्णवी देवी का पीर किसने की प्रभु का शाम पर हुआ अभी पहला मंत्र वैष्णवी देवी के उपास से टेम्पल बना प्रैक्टिकल नहीं बना क्यों नहीं बना क्यों नहीं बना प्रैक्टिकल क्यों नहीं 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 क्यों बोल रहा शरीर भी छोड़ दिया और दूसरे साथी नहीं था वो जो टेम्पल बना है वो निवृत्ति मार्ग वालों के द्वारा बना मकान बनाया जाता है तो उसका एक टेम्पल बनाया जाता है गत्ते का तो प्रैक्टिकल नहीं होता है वो क्या टेम्पल बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं ईंटें इकट्ठी की जाती है तब टेम्पल बनता है या अकेला आदमी टेम्पल बना लेगा संगठन चाहिए ना रुद्रमाला का मणका है लेकिन उसमें चंद्रवंश का बीज और सूर्यवंश का बीज दोनों है कि नहीं तो दोनों मिलकर के ही सुसंग बनाते हैं सूर्यवंशी के बीज होंगे तो सुगर्मियों के भी बीज होंगे क्या मैं जो है मरुभूमि में बात करते हैं ना अभी बेहद में आ चुकी है इसका मतलब बेहद ही कुछ है तो बेहद में इसका मतलब कुछ है मैंने शहर आदि रेगिस्तान बन चुके जो असली ज्ञान जल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है नहीं जोड़ सकता जिनको बच्चा नहीं है वो बाप बाप के साथ बच्चे का संबंध नहीं जोड़ सकते नहीं बाबा अगर अंतिम दिन में बच्चे नहीं है बच्चे नहीं है अच्छा जिनको बच्चे है वो नहीं जोड़ सकते वो भी जोड़ सकते हैं जिनको बच्चा नहीं है वो और अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं क्योंकि उसको है नहीं कोई भी संबंध जोड़ने की प्रैक्टिकल में आने की जरूरत है या सिर्फ ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची गई ऐसा संकल्प सृष्टि रची जा रही बाप तो हर बच्चे के लिए तैयार है जैसा जो बच्चा जैसे अपनाना चाहे वैसे बनने के लिए तैयार है लेकिन देहभान नहीं आना चाहिए बाप देही अभिमानी है तो बच्चे को भी देही अभिमानी बनना पड़े देह अभिमान आया तो फिर इंद्रियों की कसरत होती है इंद्रियों की कसरत होगी तो फिर दुराचार पैदा हो जाए भले पति पत्नी दोनों ही ज्ञान में चल रहे हो लेकिन पति की तो गारंटी नहीं हो तो दुर्योधन तो शासन है कोई गारंटी नहीं कब नीचे गिरा दे आज तो दुनिया का माहौल शांत है कल को अखबारों में टीवी में और रेडियो में चारों तरफ धमाधम मच जाए गुलानी उड़ने लग पड़े तो पति की बुद्धि खराब नहीं होगी बुद्धि खराब होगी तो वैसा बनाएगा नहीं बनेगा अबलाएं तो कलयुग के अंत में अबलाएं बन जाती है बलिनी बन जाती है इसकी चोला इसलिए पुरुष तो मनबुद्धि से भी प्रबल होता है इसलिए संकल्पों से शूटिंग का हिसाब बना हुआ है ब्रह्मा के संकल्पों से चलती रहती है कर्मेंद्रियों से चलती रहती गई ये यहाँ नहीं है या बाचा से बोलना शुरू कर दो कोई कोई माता ऐसी भी है हमने पति के साथ हमने तो एक कोई को पति माना है नहीं मानते तुमको पति अति गठजोड़ करके भाग जाती है जाकर के बैठ जाती है हमारा तो एक ही पति है तो भाषा से करने से थोड़ा ही होगा क्या करना पड़े संकल्प इतना पावरफुल बनाए जिस संकल्प की पावरफुल होने से बाप हमारा तो सहयोगी है ही है
जो करे, जो हिम्मत करे तो बाप मदद देने के लिए तैयार। बाबा ये दिखा रहे हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ यज्ञ के आदि में तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने गैया मांगी ऐसे तो इसका मतलब क्योंकि यज्ञ के आदि में गैया जो थी वो ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट कर दिया। गैया मांगी उन्होंने, गैया नहीं दे दी, जो गैया मांगी वो दे दी नहीं। तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा किस बात का होता है? दुनिया ने जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे महाभारत युद्ध हुआ, चाहे रामायण का युद्ध हुआ, चाहे देवासुर संग्राम हुआ, किसको लेकर के हुआ? लेकर के हुआ। यहाँ गैया कौन है? कन्या माता है गैया। यहाँ कोई जानवर जन्म की तो बात है ही नहीं, बाबा ने क्लियर कर दिया जानवर जन्म तो होता नहीं। तो कन्या माता है, ये गऊ है, उन गऊ में जो श्रेष्ठ गऊ है वो तो गऊ की मांग नहीं उन्होंने की, किसने विश्वामित्र तो विश्व की मित्र है, वशिष्ठ विश्व के मित्र नहीं है क्या? ब्राह्मणों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो पवित्र देवता देव आत्मा है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और राक्षसों को सपोर्ट करते नहीं है। हाँ उनके आधीन हो जाते हैं कभी, कौन? हाँ जी, तो वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया, वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया तो विश्वामित्र को क्रोध आया और उनका आप नहीं तो वैसे देंगे तो हम तो अभी हाल हराए हम से युद्ध कर वो युद्ध करना शुरू कर दिया। तो बचे थे तो कोई शास्त्र धारण नहीं करते थे, उन्होंने तिरछी का डंडा सामने फेंकना शुरू कर दिया, जो शास्त्र फेंका वो डंडा सामने कर दिया। दंडी स्वामी उसकी यादगार, दंडी स्वामी देखे उनको सन्यासी होते हैं और डंडा रखते हैं और उसमें गौमुख बना होता है, तो वो लड़की की पावर सामने कर दी तो उनके सारे अस्त्र फेल हो गए, उनको बड़ा पता था। सिर्फ बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक मेरे डंडे न सर्वे में हस्ता सबका आता, ऐसे उनको बड़ा ये आया कि ये क्षत्रिय बल को तो धिक्कार है, इतने सब अस्त्र प्रयोग किया, ये ब्राह्मण ने एक ही डंडा सामने कर दिया, सारे अस्त्र मेरे बेकार हो गए। तो फिर पक्का कर लिया मैं भी ब्रह्म तेज धारण करूंगा, तपस्या करूंगा। तो फिर उन्होंने तपस्या का रिजल्ट क्या हुआ? वो भी ब्रह्मर्षि बन गए, विश्वामित्र तपस्या करके उसी जन्म में ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए। तो गई आराम से मिल जाती है। ठीक है, आदि में गीता का भगवान कौन था? याद से जगह चल रहा है। गैया गैया गीता माता और विश्वामित्र बस ब्रह्मा वशिष्ठ हो गया। क्यों? फिर संस्कार लगेगा।